आइए शुरू करते हैं पाठ एक, सॉरी पाठ तीन हो जाएगा आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। अलग बात है कि हम लोग आधार मान रहे हैं एनसीईआरटी क्लास सिक्स, लेकिन क्लास सिक्स और क्लास ट्वेल्व में जितना टॉपिक दिया है उन सारे टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कोर्स से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मिलेगा क्योंकि वहां कुछ अन्य ज्यादा बातों के बारे में चर्चा करना होता है, यहाँ थोड़ा दिशा अलग होता है, बातें ज्यादा होती है। हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, अन्य नाम हड़प्पा की सभ्यता, एक और नाम है सैंधव सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता, इसी को हम सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश की सभ्यता है, तो इसका सीधा सा उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह भारत की सभ्यता है। किस देश की सभ्यता है? दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार फैलाव कहां कहां तक था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की बात करें तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। दिशा अगर आपसे प्रश्न करे कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के किस दिशा में फलीभूत हुई, तो दिशा की अगर बात कर ले तो हम लोग लिख देंगे उत्तर पश्चिम। अब सवाल है तो भारत की सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका अन्य नाम हड़प्पा की सभ्यता है, जबकि जब यह भारत की सभ्यता है तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता न होकर के भारत की सभ्यता होनी चाहिए। जैसे चीन की सभ्यता को चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता अलग अलग नाम से जानते हैं। हर देश की सभ्यता को उस देश के नाम पर रखा गया है, लेकिन प्रश्न है हमारे भारत की सभ्यता है इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता क्यों रख दिया गया? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहां मानव सभ्यता का विकास नदी घाटी में हुआ है, मानव नवपाषाण काल में अस्थायी रूप से रहना शुरू किया, और मानव जब अस्थायी रूप से नवपाषाण काल में रहना शुरू कर लिया तो उन्होंने अपना घर, अपना आसियाना सबसे पहले नदी घाटी की अगल बगल में बनाया। इसके पीछे तर्क ये था कि नदी घाटी में मानव के जरूरत की जो वस्तुएं थी, चाहे वह पीने के लिए पानी हो, चाहे आवागमन के साधन हो, चाहे घर बनाने के लिए गीली मिट्टी हो, चाहे अनाज को उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी हो, नदी घाटी में मिल जाती थी। इसके अलावा लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, अनाज की उपलब्धता न हुई तो नदी में मछली का शिकार करके भी अपना लोग जीवन यापन कर लेते थे। यही कारण था कि मानव सभ्यता का विकास नदी घाटी में हुआ। तो भारत की सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि भारत की सभ्यता का विकास सिंधु नदी और उसके सहायक नदी के इर्द गिर्द में हुआ है। सिंधु और उसके सहायक नदी के इर्द गिर्द में भारत की सभ्यता का विकास हुआ,
भारत की परंपरा का विकास हुआ, इसलिए भारत की सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई आपको पता है कि सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक, हालांकि आज यह पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सभ्यता है। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इसका विकास सिंधु और उसकी सहायक नदी घाटी में हुआ था। लेकिन इसका अन्य नाम हड़प्पा की सभ्यता इसलिए है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली बार खुदाई 1921 में हड़प्पा नामक गांव में हुई थी, हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु का हड़प्पा की सभ्यता भी रख दिया गया। सैंधव कहने के पीछे तर्क है क्योंकि सिंधु उसकी सहायक नदी है, सिंधु मतलब एक नदी होता है, सैंधव सात नदियों के समूह का नाम है, इसका नाम सैंधव इसलिए पड़ गया। मैं बोला हूं लेकिन जो आपने पूछना था मैं वैसे नहीं कह सका हूं क्योंकि सिंधु उसकी सहायक नदी के आसपास, अगर केवल सिंधु नदी के होता तो हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते, लेकिन सिंधु के अगल बगल में उसकी जो सहायक नदी रावी के किनारे भी कुछ जगह मिले हैं, सतलज के किनारे भी उसके जगह मिले हैं, व्यास के किनारे भी जगह उसका असर मिला है, चिनाब के किनारे भी कुछ गांव मिला है, गलत है सही? तो सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं सबके अगल बगल में लोगों का बसाव देखने को मिला है, इसलिए बहुवचन में इसका नाम पड़ गया सैंधव सभ्यता नाम रख दिया गया। अब प्रश्न है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने रखा, इसका नामकरण किसने किया? तो शायद आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था 1924 ईस्वी में। सबसे पहले देखने का काम था वो बाद की बात है, चर्चा होगी आगे। लेकिन प्रश्न की नामकरण की बात मैं पहले बार बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कौन किया? सर जॉन मार्शल ने किया। कब किया? अब कहोगे सर जॉन मार्शल क्यों किया, अंग्रेजों का राज था, गवर्नर जनरल कर देता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े कर्मचारी वो कर देते या महारानी वो कर देती, जॉन मार्शल ने क्यों किया पूछा जा सकता है, बच्चा है कुछ भी प्रश्न कर सकता है, गलत की सही? तो इसको नामकरण जॉन मार्शल ने इसलिए किया क्योंकि आपको इस एक बात की जानकारी है कि अंग्रेजों के शासन काल में प्राचीन वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्राचीन स्थलों की खुदाई करने के लिए 1784 में एक संस्था बनी थी जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। क्या नाम था? और एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कलकत्ता में 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स की देखरेख में हुआ था। लेकिन उसी एशियाटिक सोसाइटी का आगे चलकर 1861 में, आगे चलकर 1861 में संस्था का नाम बदल दिया गया। काम वही था, जो काम योजना आयोग ने किया वही काम नीति आयोग भी करती है, थोड़ा कुछ इसका मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया है, नाम हो गया एनडी सरकार ने बनाई है, पहले तो नेहरू जी का नाम था, कुछ नहीं होता चीजें वही रहता है। कंपनी जो कहती है कि 20% एक्स्ट्रा, कुछ 20% एक्स्ट्रा नहीं होता है, हमारे और आपके दिमाग की भ्रम है, बिस्किट का साइज सोचा छोटा कर दिया, डिब्बा की चौड़ाई कम कर दिया, लंबाई को बढ़ा दिया, चीज बात उतना ही रहता है, बेचने का अलग अलग तरीका है। तो प्रश्न है जॉन मार्शल वही 1861 में एशियाटिक सोसाइटी के जगह पर एक नया संस्था आया, पुरातत्व विभाग, क्या थी? प्राचीन वस्तुओं के खुदाई करने के लिए 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के देखरेख में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई और उसी पुरातत्व विभाग का महानिर्देशक 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल को क्या किया गया? बनाया गया, गलत की सही? और जॉन मार्शल 1902 से लेकर लगभग 1944 तक इस पद पर रहे। चूंकि भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक सिंधु सभ्यता की खुदाई के समय जॉन मार्शल थे,
इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने दिया। और जब पुख्ता सबूत मिल गया तो संपूर्ण विश्व के सामने 1924 में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हमने एक विश्व में नई सभ्यता की, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता की खोज कर डाली है, जिसका नाम हड़प्पा की सभ्यता है। अब कहिएगा, विमलेंदु का प्रश्न मैं बोलने ही वाला था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने कहा। देखिए, ऐसा नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरा धरती में दबा हुआ था, पूरी सभ्यता धरती में दबा हुआ नहीं था, सभ्यता के कुछ अवशेष जहां तहां ऊपर भी दिख रहा था, कहीं घर का ऊपरी छत तो कहीं कुछ दीवार दिख रहा था। तो उत्तर पश्चिम इलाका पर चार्ल्स मैसन नामक एक विद्वान थे जो भ्रमण करने गए थे, तो पुराना ढहा हुआ टूटा हुआ विखंडित जर्जर अवस्था में कुछ घर का अवशेष उन्हें दिखाई दिया। तो सबसे पहले हड़प्पा के बारे में 1826 में चार्ल्स मैसन नामक एक विद्वान ने कहा था कि भारत के उत्तर पश्चिम में संभव है कि हजारों वर्ष पुरानी कोई क्या हो, सभ्यता हो। लेकिन सिंधु सभ्यता के बारे में लोगों को प्रमाण कैसे मिला, कि कैसे पता चला कि वास्तव में सही में सिंधु घाटी सभ्यता ही तो अनुमान पर चल रहा था थी। तो एक बात की जानकारी शायद आप सारे बच्चों को है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया। इन 200 वर्षों के शासनकाल में अंग्रेजों ने बहुत कुछ दिया भी, हाँ उसे चार गुना ज्यादा नहीं, ये कहा चार गुना ज्यादा ले गया। लेकिन एक विवाद का मुद्दा है कि शायद अंग्रेज यदि इंडिया पर शासन नहीं किया होता तो आज जहां इंडिया है वहां इंडिया नहीं होता। इसको दोनों से ले लीजिए, उससे बहुत पीछे होता या उससे बहुत आगे होता। और हमसे कुछ हो गया तो मैं एक ही बोलूंगा कि जहां इंडिया है वहां इंडिया नहीं होता, बहुत पीछे होता। आजकल के नेताओं के चरित्र के आधार पर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जिस समय अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा उस समय लगभग 54,500 किलोमीटर रेल लाइन की लंबाई थी। भारत को आजाद हुए लगभग 75 साल हो गया, लेकिन 75 साल में इसे 15,000 किलोमीटर लंबा रेल लाइन का निर्माण न हुआ है। और अंग्रेजों ने 1853 में रेलवे की शुरुआत किया और 1947 में इंडिया को क्या किया, आजाद किया, छोड़ा। कैसा हो गया मोटा मोटी 94 साल में 54,000 किलोमीटर रेल लाइन बना दिया, और 75 साल में आजादी के 75 साल के बाद भी 15,000 किलोमीटर रेल लाइन नहीं बना है शायद। नहीं, ये हमने क्या कहा, अनेकों हो सकते हैं। आज हमारे सड़क बनते हैं, पीछे से ठहरते हैं, टूटते हैं, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, चाहे हावड़ा ब्रिज हो या आपके गांव सर्वे दुगो पुराना पुराना पुल सैकड़ों वर्ष से चल रहा है और यहां तो आज आगे ढलाई होकर जाता है, पीछे सरकारी कर्मचारी चेक करना तो उसमें फंस जाते हैं नाला में, कैसे कर सकते बनाते हैं तो मजबूत नहीं है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है। चलिए वो नहीं चलेंगे आप, क्योंकि आप में डिबेट करने का समर्थ उतना नहीं हो पा रहा है। मैं कहना कुछ और चाहता हूँ, उसको काटने का प्रयास कर रहे हैं, गलत की सही। हमने ये पहले ही कह दिया कि अंग्रेज यहां से 100 गुना ज्यादा लेके 1,000 गुना ज्यादा, लेकिन कुछ जो दिया यूनिक दिया, गलत की सही। तो चार्ल्स मैसन ने उसके बारे में बताया, और आपको बता दें कि अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत 1853 में किया था और भारत की पहली रेल बंबई से ठाणे के भी 16 अप्रैल 1853 में चली। उस समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। इसी रेलवे निर्माण के क्रम में 1856 की कहानी है, ध्यान देंगे 1856 ईस्वी की कहानी है। वर्तमान समय में वह दोनों शहर पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन मैं तत्कालिक इंडिया की कहानी कह रहा हूं, उस समय की इंडिया।
दो शहर था कराची और लाहौर, इंडिया का दो शहर, वर्तमान पाकिस्तान का और तत्कालिक पाकिस्तान का, तत्कालिक इंडिया का, तत्कालिक उस समय वाला, वर्तमान पाकिस्तान का दो शहर कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। और रेलवे लाइन का निर्माण करने वाले जो दो अंग्रेज थे, नाम था, जान रहे आप लोग, जॉन बरंटन एंड विलियम बरंटन। सियोर्डे के दोनों भाई था, लेकिन नाम ऐसा है कि लगता है कि दोनों भाई ही हो। तो जॉन बरंटन और विलियम बरंटन के देखरेख में 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। इसी निर्माण के क्रम में इन दोनों शहरों के बीच में हिंदू का शहर मिल गया, मोहन जोदरो एंड हरप्पा। मजदूर को लगा कि बड़ा बढ़िया बढ़िया ईटा मिल रहा है, छोरा छोरा ईटा मिल रहा है, ईटा लगा देंगे तो रेलवे का ट्रैक क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। थरल्ले से उन सारे ईट का यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन भाई समय समय पर जब काम होता है तो उसके इंजीनियर आते रहते हैं, कुछ जांच पड़ताल करने वाले कर्मचारी आते रहते हैं कि काम मजबूती से हो रहा है, काम गुणवत्तापूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस दरमियान ईट के साइज को देखकर जहां से ईट उठा रहा था उस ईट को लगाने के तौर तरीका को देखकर पता चला कि नहीं, जिस ईट का तुम यूज कर रहे हो यह ईट साधारण ईट नहीं है, किसी भट्टा का ईट नहीं है, यह उस भट्टा का ईट है जो हजारों साल पुरानी किसी सभ्यता का इतिहास बताने वाला ईट। दुर्भाग्य की बात है, इस बात की जानकारी दिया गया, एक सभ्यता की ईट मिली है लेकिन सरकारी काम था, ठंडा बस्ता में चला गया। क्योंकि आपको बता दें कि 1856 में हुआ था और घोषणा हो चुका था कि दिल्ली के, सॉरी ब्रिटेन की महारानी इंडिया में आने वाली है और उनके स्वागत के लिए भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था। पहला दिल्ली दरबार कलकत्ता में लगा था, दूसरा इलाहाबाद में लगा था, तीसरा लगा था मुंबई में, सॉरी गलती बोल रहे मुंबई नहीं, पहला कलकत्ता में, दूसरा दिल्ली में लगा था, तीसरा इलाहाबाद में लगा था। ब्रिटेन के राजा रानी पहली बार तो महारानी आई थी तो उनके स्वागत के लिए शहर को सजाया जा रहा था। यह भी कई बार भारत में राष्ट्रवाद को उदय का कारण बनता है, शहर को सजाया जा रहा था, वहां पर एक से बढ़कर एक पकवान बन रहा था। भारत के लोग अकाल में, बंगाल के लोग अकाल में भूखे मर रहे थे, यह देखकर भी लोगों के मन में राष्ट्र दिया था कि भावना पनपी थी कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, वहां पर रसगुल्ला ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, चिकन मटन बर्बाद हो रहे हैं। दिल्ली के दिल्ली दरबार लगने वाला था, ध्यान दिया नहीं गया, बंदा गया तो गदया गया ही रह गया। दूसरी बार 1911 में भी दिल्ली दरबार लग गया, यहां भी देखभाल नहीं किया गया। लेकिन जब जॉन मार्शल बने, मैंने तो कुछ कर्मचारी होते जो पिछले का पन्ना को उखाड़ने का प्रयास करता है, उखाड़ने का प्रयास किया तो खुदाई शुरू हो गया, खुदाई संयोग से शुरू हुआ 1921 में, हड़प्पा से किया गया, प्रमाण मिलना शुरू हो गया तो आदेश दिया गया नहीं चारों तरफ से खुदाई कराया जाए ताकि पुख्ता प्रमाण मिलेगा, तब ना हम किसी के सामने कहेंगे कि नहीं सभ्यता की हमने क्या कर दिया, खोज कर दिया। चूंकि हमने कहा कि सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई कराया गया, कहा हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई कराया गया था। और हड़प्पा जो जगह है वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे है ना, पाकिस्तान के मंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे है, बाई नदी की, रावी नदी के बाई किनारे। पहले का बात गया कि कौन नदी किनारे, अब पूछ लेगा दाएं बाएं, क्योंकि लड़का पहले का बात सीधा रट गया। रावी नदी के बाएं किनारे है और राय बहादुर दयाराम साहनी के देखरेख में किया गया था। लेकिन याद रखिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी के साथ एक और व्यक्ति थे, दयाराम साहनी के साथ एक और व्यक्ति थे, हाँ, एम एस वत्स, ये याद रखने की जरूरत है।
माधो स्वरूप वत्स, क्योंकि दयाराम सहनी सौ याद रख लिया है, अब आपको माधो स्वरूप वत्स याद रखने की जरूरत है। कब आएगा तो ये आएगा, लेकिन वह कंफ्यूजन होगा, कहेगा प्रश्न गलत है, अब खोल के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि न पढ़ने वाले की संख्या भी बढ़ रही है। तो पढ़ने वाले कुछ ऐसे हैं जिनका लेवल बहुत ऊपर जा रहा है। तो माधो स्वरूप के देखरेख में की गई 1921 में, और चूंकि हड़प्पा में खुदाई हुई इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा संस्कृति। इसी के देखा देखी 21 में हुआ, 1922 में पुनः खुदाई शुरू हुआ, रावी नदी किनारे खोदा गया। अब मेन नदी कौन था, मोहनजोदड़ो, सॉरी सिंधु नदी मेन नदी था, तो सिंधु नदी के किनारे ऐसा कुछ लगा कि हाँ हो सकता है। तो सिंधु नदी के किनारे एक बहुत बड़ा शहर था जिनका नाम था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को खोजा गया। ऐसे मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे हैं, 1922 में आरडी बनर्जी, 1922 में रखाल दास बनर्जी के देखरेख में खोजा गया। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मंटगोमरी जिला में, कौन जिला में है, मंटगोमरी जिला में, कौन नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। उस समय भी सबसे बड़ा था, वर्तमान में भी सबसे बड़ा था। इसे मृतकों का टीला कहते हैं, भूतों का निवास स्थान किसे कहते हैं, प्रेतों का स्थल किसे कहते हैं, तो मृतकों का टीला तो जान ही रहे हैं, लेकिन जान लीजिए एडवांस होकर जाएंगे तो हमें मिलेगा प्रेतों का स्थल किसे कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो को हम प्रेतों का स्थल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ थी, इसलिए इसको हम सिंध का बाग या सिंध का नकली स्थान के नाम से भी जानते हैं। क्या बोले हैं, ठीक बात। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में रखाल दास बनर्जी के देखरेख में हुआ था। तब 22 में दुदू को प्रमाण मिल गया, 21 में प्रमाण मिला एकदम सटीक मिला, 22 में प्रमाण एकदम सटीक मिला, और 1924 में जाके जॉन मार्शल ने संपूर्ण संसार के सामने प्रमाण पेश कर दिया कि हमने एक सभ्यता की क्या कर दिया है, खोज कर दिया है। अब लोगों ने इनके सामने प्रश्न किया कि सभ्यता है तो किस युग की सभ्यता है, जब प्रस्तुत करना पड़ता सारा रिकॉर्ड देना पड़ता, ये ना कि कह देने से कब मिल जाएगा, किस काल की सभ्यता है, क्योंकि विश्व में उस समय भी जैसे आप लोगों ने प्रश्न किया तो मैं सीधा जा जाता हूं कि अपना यहां से कौन गेल है कि ना, वो कोचिंग श्रेष्ठ हो गया, कोचिंग डाउन तो नहीं है, इससे मेरा फर्क नहीं पड़ता, मैं सब जानता हूं, एक लाइन में जान लेता हूं ना, मुझे बात तो संदूक से आपके सामने ही वहीं के गुरु जी आगे पर प्रस्तुत होकर हमारे सामने आ गए, इसलिए मैं धैर्य से जीता हूं। मेरे अंदर किसी प्रकार की बात, वहां पहली बार नर्वसनेस हो सकता है कि झूठ ना तो है कि फ्रॉड नहीं, तो हम संतुलन बना के लेके चलता हूं। तो प्रश्न ये रहा क्या युग की बात होती है कि किस युग की है, क्योंकि पेश करना होगा, सब चीज पेश करना होगा, तो किस युग की है, तो याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछेगा तो अंतिम डिग्री बताइएगा। अब ये नहीं प्रिंस का कहीं शादी विवाह ठीक हो जाए, लड़का कहां तक पढ़े तो कह देगा मैट्रिक, भाई कहीं पहला से ले जाएगा बारहवीं तक रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। हाँ, महापुरुष है ये नहीं अंतिम। तो सिंधु घाटी सभ्यता के युग की बात करें तो युग दो प्रकार का होता है, एक आपका इतिहास का युग हो सकता है और एक आपका धातु का मेटल का युग हो सकता है, गलत से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो लोहा से परिचित नहीं थे, लेकिन तांबा से परिचित थे, टीन से परिचित, लेकिन लोहा से परिचित, तो लोहा और तांबा के बीच का गेज था कांसा, क्योंकि तांबा और टीन को मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा बनाना जानते थे। तो युग की बात कर धातु के आधार पर युग की बात करें तो कौन युग होगा, कांस्य युग था। और इतिहास का युग की बात करते हैं तो मैंने पहले क्लास में कहा था कि प्राचीन काल को तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल,
आधा ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, और आधा ऐतिहासिक काल का परिभाषा हमने दिया था कि लिखित विवरण है लेकिन हम पढ़ने में सक्षम नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, मतलब इसकी क्या थी, लिपि थी, लेकिन लिपि पढ़ाया नहीं। क्योंकि लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी, इसको हम आधि इतिहास कहते हैं। लेकिन आपको बता दें कभी से काम नहीं चलने वाला है। कौन सभ्यता, लौह युग और ताम्र युग के संक्रमण अवस्था काल कहा जाता है, तो सिंधु सभ्यता जो है लौह युग एवं ताम्र युग के संक्रमण है, संक्रमण काल कह सकते हैं। जो तो आता ही नहीं, पूरा फिल्म की कहानी कह देंगे, टेस्ट खत्म तो देखने नहीं करेगा। संक्रमण काल में आ जाएगा, जोड़ने वाला काल में आ जाएगा, क्योंकि लोहा से हम परिचित थे नहीं, तांबा से हम परिचित थे, तो तांबा और लोहा के बीच का एक युग आया है, धातु युग मैंने पढ़ाया है, तो संक्रमण का जोड़ने वाले काल को संक्रमण के काल के नाम से इसको हम जान लेते हैं। अब छोड़ दीजिए किताब, बाद में लोग डिबेट कर लेंगे। तो अब प्रश्न है, इसके अलावे की बात भी करते हैं, 1922 में ऐसा नहीं कि मोहनजोदड़ो ने, मोहनजोदड़ो की खुदाई 22 में हो गया तो रुक गया, 22 में खनने का मतलब ये नहीं कि यहीं पर खुदाई क्या हो गया, रुक गया, मोहनजोदड़ो की खुदाई आगे भी होती रही। आपको बता दें जेएफ मैके की बात करते हैं तो 1927 से 1931 तक मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन कराया था, जेएफ मैके ने कराया था। अब आरडी बनर्जी को छोड़ दीजिए, पहली बार आरडी बनर्जी आ गए, लेकिन आप यहां याद रखेंगे कि 1927 से 1931 के बीच किसके देखरेख में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, द मैके के देखरेख में, पुनः इन्होंने छोड़ा तो 1963 में तीसरी बार खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का एक बार खुदाई नहीं हुआ है, तीन बार खुदाई हुआ है, पहली बार आरडी बनर्जी के देखरेख में, दूसरी बार जेएफ मैके के देखरेख में, और तीसरी बार 1963 ईस्वी में भी खुदाई हुई थी और जेएफ डेल्स के देखरेख में, जेएफ डेल्स के देखरेख में मोहनजोदड़ो की तीसरी बार खुदाई हुई, और तब जाके मोहनजोदड़ो का पूरा पूरा प्रकाश में आ गया। कोई दिक्कत? अब प्रश्न होगा, इतना बड़ा बात तो जान गए, तो थोड़ा सा विस्तार की बात कर ले, विस्तार कहो, फैलाव कहो, या इसका क्षेत्रफल कहो, उदापन निर्भर करता है, तो विस्तार लिखने की जरूरत नहीं है। विस्तार में अगर सीधा ले ले इसका हम, तो यहां उत्तर कर ले, यहां दक्षिण, यहां पूर्व और यहां पश्चिम, तो आप जानवे करते हैं, सबसे उत्तरी स्थल मांदार, जो जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में चेनाब नदी के किनारे, उत्तरी स्थल मांदार जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे अखनूर जिला में है। दक्षिणी स्थल की बात करते हैं तो दाइमाबाद, इसको कई बार भगतरा भी कहते हैं, भगतरा दूरी पॉइंट है, राव दाइमाबाद से आगे बढ़िए, भगतराव पर आइए, भगतराव जो नर्मदा की सहायक परवरा नदी के किनारे, 12वीं में नर्मदा लिख देगा सीधा, लेकिन रियल में वो परवरा के किनारे। अगर हम पूर्वी स्थल की बात करें, ये तो जान ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में हिंडन नदी किनारे है, लेकिन आलमगीरपुर को कई बार अमरावी आमरी भी कह देगा, हाँ, लेकिन आलमगीरपुर ठीक है जो मेरठ जिला में है और हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिमी स्थल सुतका गेंडेरो है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के किनारे, कौन नदी किनारे है, दास्क नदी के किनारे। एरिया की बात करते हैं, इसका देखने में स्वरूप कैसा है, तो त्रिभुजाकार, मतलब त्रिभुज के जैसा देखने में है। और क्षेत्रफल की बात कर ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, 12,99,699,600
किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है। अब सवाल है, इसका समय जान लिया जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था। देखिए जितना विद्वान आए हैं अपन अपन विचार सब दिए, लेकिन सबका बात प्रमाणिक नहीं हो सकता है। अलग बात है कि एक विद्वान का विचार प्रमाणिक विचार से मिल गया, टकरा गया, फीलर का विचार टकरा गया। तो आप सबको पता है कि काल निर्धारण की या समय निर्धारण की जो वैज्ञानिक विधि है, जो वैज्ञानिक पद्धति है, उस वैज्ञानिक पद्धति या विधि का नाम है कर्मन 14 विधि या कर्मन 14 पद्धति। तो कर्मन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 BC to 1750 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले यह सभ्यता अस्तित्व में आया, और ईसा मसीह के जन्म के 1750 साल पहले सभ्यता उजड़ गया। उजड़ा क्यों? अनुमान है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर जानकारी का स्रोत कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है, वह है पुरातत्व। देखिए पुरातत्व से जीवन स्तर का, लाइफ स्टाइल का पता लगाया जा सकता है, लेकिन सब कुछ सही सही हो ना, इतिहास नहीं है सबसे बजाय। अब कई लोग हैं जो गांव में कहता है खेनहरा और के गाय के घी पिए थे, चलेगा फाटल पर रहेगा करोड़पति हो, क्यों ठेकुआ खोलेगा तो तुरा कितना को सामने वाला खरीद लेगा वो गलत किसे तो किसी के पोशाक देखकर उसकी आर्थिक हैसियत का पता मत लगाना, गलत हो सकता है, गलत किसे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के एक ही स्रोत है, वो है पूरा तत्व। मैंने खुदाई से जो प्राचीन वस्तु मिला है, तो खुदाई से क्या मिला भाई? बर्तन मिला, सिक्का मिला, हड्डी मिला होगा, भवन मिला होगा, चूल्हा तो का मिला होगा, नाली मिला, पोखरा मिला, कुआं मिला, कि थोड़ी ना कहेगा कहानी की नष्ट के ना हो गया, गलत सही। तो लेकिन फिर भी पुरातत्व तो 80% सही कहानी कह रही है, 20% में चेंजिंग या बदलाव हो सकता है। आएंगे थोड़ा बैठाइएगा, आने दीजिए भी आएगा, इसमें कौन है, परिहार से लोग आए हैं, पुरातत्व तो है। अब अगली कहानी कहता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आई बैठ जाइए ना, जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत क्या है? पुरातत्व। तो हमने कहा कि पुरातत्व सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन लगभग सब बात क्या है? सही है। आगे चर्चा करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का एकमात्र स्रोत पुरातत्व है, समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच है। तो आगे की चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कितना अवधि तक रहा? तो 750 वर्ष, मतलब लगभग 750 वर्ष उन्नत अवस्था में रहा। 750 वर्ष के बाद, जैसे मैं चाहे आप लोग 55, 60 या 50 वर्ष एकदम टाइट अवस्था में रहते हैं, और 60 पुण्य के बाद हम लोग डाउन होना, हरास होना, मस्तिष्क का भी हरास, सेल का भी हरास, सोचने समझने तर्क करने की शक्ति का भी हरास, काम क्षमता का तो हरास होगा करेगा, तो कोई डाउट नहीं, ये हरास होना क्या होना शुरू हो गया 750 वर्षों के बाद। अब सवाल है तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय पता चल गया, प्रश्न है निर्माता कौन थे, इसको बसाया किसने था? व्यवस्था तो बाद में देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया किसने? तो आपको तो बड़ी आसानी से मैं कह देता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता को द्रविड़ समुदाय के लोगों ने, किसने?
द्रविड़ समुदाय के लोगों ने, द्रविड़ जनजाति के लोगों ने बसाया, लेकिन प्रश्न हो सकता कैसे, प्रमाण क्या है कि द्रविड़ों ने ही बसाया? क्या मंगोलॉयड नहीं हो सकता है? क्या एस्ट्रॉयड नहीं हो सकता है? क्या भूमध्य सागर ये नहीं हो सकता है? क्या किरात नहीं हो सकता है? जितने प्रकार की प्रजातियां हैं सबको हमने नहीं कहा, केवल द्रविड़ ही क्यों कहा? तो द्रविड़ इसलिए कहा क्योंकि विद्वानों ने मिलान किया, तुलना किया कि सिंधु सभ्यता के लोगों के रहन सहन का तौर तरीका, खाने पीने का तौर तरीका, उनके शरीर की हड्डी से तो अब तक खून की एक बूंद से बाल एक नोच लेगा उसे पूरा तुम्हारा बॉडी निकाल देगा। अब तो ऐसा ऐसा एप्लीकेशन आ गया है कि बचपन में तुम कैसा रहा हो, बुढ़ापा में तुम कैसा हो जाओ कि वो पता चल जा रहा है। इस एप्लीकेशन कोई है? तो विज्ञान तो आज बहुत आगे निकल चुका है। तो प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का दिनचर्या, रहन सहन का तरीका, खान पान का तरीका 70% अगर किसी से मिलता था तो द्रविड़ से मिलता था, क्योंकि इसकी हड्डी की लंबाई, खोपड़ी की बनावट, जबड़ा की बनावट, दांत की बनावट, इसके घर की बनावट, इसके बर्तन की बनावट, इसके खाने वाले जो सामग्री थी उन सबका मिलान अगर किया गया तो लगभग 80% समानता किससे मिली है? द्रविड़ जनजाति से मिली है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को किसने बसाया? अब प्रश्न है तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक लगभग कितना स्थल खुदाई हो चुका है? एक अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक लगभग 2000 स्थल की खुदाई हो चुकी है, लेकिन 2000 स्थलों में अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कहेंगे तो होगा मोहनजोदड़ो। कौन होगा? लेकिन कहां है? यहां पाकिस्तान में है। और भारत का अगर सबसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा कौन है तो यह होगा धौलागिरा, जो पड़ता है गुजरात में, और गुजरात में पड़ता है फारस की खाड़ी में, यानी फारस की खाड़ी में पड़ता है। और जानते हैं धौलागिरा में, एक मैं अंतर बताऊंगा जो इतना ही तक आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं सभी नगर दो स्तर का है, पूर्वी और पश्चिम। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं सभी नगर कितने प्रकार के मिले? दो प्रकार के मिले हैं, पूर्वी नगर एक पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर को टीला नगर कह दिया, अब पश्चिमी नगर को दुर्ग नगर कह दिया। सभी नगर को चारों ओर से बाउंड्री से घेरा गया है, ईंट का बाउंड्री है। लेकिन धौलागिरा की खासियत है, जान लो, धौलागिरा ही एक ऐसा नगर मिला है जहां के हर बस्ती को पत्थर के बाउंड्री से घेरा गया है। कोची के बाउंड्री से पत्थर की बाउंड्री मिली है धौलागिरा से। हर नगर का ईटा का बाउंड्री था, इसका क्या था? पत्थर की बाउंड्री थी। और तीसरी बात, हर नगर में शहर कई प्रकार का था, दो प्रकार के, एक पूर्वी नगर और एक, लेकिन धौलागिरा में नगर तीन प्रकार के थे। नगर कितने स्तर पर बसे हुए थे? तीन स्तर पर बसे हुए थे। तो त्रिस्तरीय नगर का प्रमाण कहां से मिला है? धौलागिरा से। बाकी हर जगह कैसा मिला है? दो स्तरीय प्रमाण मिला है। अब प्रश्न है तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो बहुत जगह खुदाई हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाण कौन राज्य में मिला है? एक हो सकता है तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रमाण की बात करते तो गुजरात में मिला है। कहां मिला है? आजादी के बाद कहीं हो, लेकिन आजादी के बाद खुदाई सबसे पहले कहां हुई? हरियाणा में। क्या जी, क्या नाम है उसका जगह का? नहीं, हरियाणा हिसार जिला में है, बनावली। आजादी के बाद सबसे पहले कहां खुदाई हुआ था? बनावली। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? नहीं, जिसका खुदाई जा रहा है उसको नहीं गिनेंगे हम। पहली बार कहां खुदा गया? पहली बार जो खुदाली या जैसे भी कहां चला हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा प्रमाण अगर मिलने की बात होगी तो कहां होगी? गुजरात में। लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले किस जगह खोदा गया? तो बनावली को खोजा गया। और ये बनावली कहां है? बोलिए, नहीं होगा, राखीगढ़ भी एक जगह है। नहीं नहीं, सबसे पहले खुदाई होगा लेकिन हरियाणा में सबसे पहले खोदा गया था। 73
तो उससे पहले वहां खुदाई हो चुकी थी कबान। अब कहोगे तो आजादी के बाद तो तीसरे मैं यहां भी लिखा हूं मोहनजोदड़ो क्यों नहीं मैं लिया उसका पहले हो चुका था। तो राखी गदी का 2014 में राज्य मिला है, लेकिन मैं लुसेंट को किताब नहीं मानता, गाइड है। ठीक लगा, हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब मानने के, क्योंकि भारत सरकार एनसीईआरटी को मानती है। संख्या 2000 थी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा आश्रम कहाँ मिला है? गुजरात में मिला है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्र मोहनजोदड़ो भारत में धौलावीरा। नया आ रहा है कि राखी गढ़ी का विस्तार क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है 14 से। लेकिन पूरा पूरा प्रमाणित कर देगा डिपार्टमेंट, सरकारी मोहर जब एनसीईआरटी का मोहर लग जाएगा तो हम लोग धौलावीरा को क्रॉस करेंगे और संयोग से वो गुजरात में राखी गढ़ी, तो क्या नाम दे देंगे? राखी गढ़ी। यही ना बात है, बिना प्रमाण के नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी वाला भी नहीं लिख रहा है। कौन चीज? राखी गढ़ी हरियाणा में। अच्छा, अब आता है तो सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 2000 से अधिक स्थल की खुदाई हो चुकी है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? मोहनजोदड़ो। और दूसरा महत्वपूर्ण कौन है? हड़प्पा। देख टिकट नामक विद्वान है, कौन है टिकट? देखा कि सभी शहरों में जितना भी स्थल खुदाया है उन सभी शहरों में सबसे ज्यादा विकसित अगर कोई शहर था तो मोहनजोदड़ो, और दूसरा विकसित कौन था? हड़प्पा। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विगत ने क्या कह दिया? विस्तृत साम्राज्य की जुर्मा राज। संयोग से दोनों पाकिस्तान में था, लेकिन इन स्थलों में अगर सबसे महत्वपूर्ण एक स्थल तीसरा अगर आता है तो है कालीबंगा, जो भारत में है। और विद्वानों ने कहा कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, इसको तीसरी राजधानी के नाम से चर्चा दिया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा ये बातें। अब प्रमुख स्थल कौन कौन है और इसके नगर नाली पोखरा और पतन के कारण के बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे।